अखिल भारतीय साहित्य परिषद भारतीय भाषाओं का, समस्त भारतीय भाषाएं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितनी भारत में प्रचलित हैं और बल्कि भाषाएं ही नहीं बोलियों तक का एक संगठन है, और वो इसमें सारी भारतीय भाषाएं कैसे पुष्पित पल्लवित हों, किस तरीके से हम अपने अगाध जो भारतीय ज्ञान है उसको अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर सकें, अपनी बोली में अभिव्यक्त करें, उसको समृद्ध कर सकें, और जो वैदेशिक एक छाप पड़ गई है हमारे पराधीनता काल में उससे कैसे मुक्ति मिल सके और हम फिर अपने स्वत्व को पहचानें, फिर भारतीयता में लौटें, सनातन में लौटें और अपने देश को समृद्धशाली अपनी भाषा बोली और अपने साहित्य से कर सकें, इसकी हमारी एक जो 3 दिन का कार्यक्रम है। पहले दिन आज हम लोग उद्घाटन सत्र से लेकर के समस्त संगठनों के रूप में बैठेंगे और सभी लोगों को एक दूसरे से परिचय करते हुए अपने उद्देश्यों को तय करेंगे। कल हमारे सरसंघ चालक जी का पदार्पण होगा, हमारा लोगों का मार्गदर्शन करेंगे वो 17 भाषाओं के 17 लोगों को, अलग अलग प्रत्येक भाषा का एक विद्वान होगा जो चरम स्थिति का है, और इस तरीके से अंतिम दिन समापन सत्र होगा, उसमें हम लोगों ने क्या पाया क्या खोया इस पर विचार करते हुए, और फिर हम लोग अपने कार्यक्रम को समापन करके अग्नि योजना बनाएंगे कि आगे हमें आगे और क्या करना है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद रो मूल उद्देश्य होउछि आमर देश भितरे जो साहित्य अछि ता भितरे केमिति सांस्कृतिक एवं आमर जो विशेषत्व अछि ଧର୍ମର ହଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ହଉ ଏ ଦେଶର ଇତିହାସ ହଉ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ କାଳ ପାଇଁ କେମିତି ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟଟା ଆଗାମୀ କାଳରେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ, ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିଶାଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଗଠନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପବ୍ଲିସର ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଠାଗାର ଅଛି, ସମସ୍ତ ନେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଗଠନ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ସୁସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପିଢ଼ିକୁ हमें मार्गदर्शन दे पाएगा। मैंने साहित्य में निबंध में काम किया है और भारतीय संस्कृति के बारे में मैंने एक विलुप्त होने जाने वाली हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में आथमता अजवाड़ा नामक एक ऐसे का पुस्तक लिखा है। उस पुस्तक में हमने हमारा 50-60 वर्षों पुराना हमारा जो गांव था उसका चित्र दस्तावेज किया है, उसका लालित्य सबर निबंध के रूप में फॉर्म में मैंने लिखा है। और दूसरा मैंने मेरे कहानी में मेरे रेखाचित्र में मानवीय संबंधों का मूल्य मैंने बतलाया है, और वो दोनों को हिसाब में रखकर वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे इधर बुलाया, मैं उन सबका आभारी हूँ। बेसिकली आई बिगेन माई राइटिंग कैरियर एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर बिकॉज आई लाइक दैट जॉनरा प्रेटी मच, ओके। बट लेटर माई फ्रेंड्स इन कन्नडा जर्नलिज्म दे इन फैक्ट एक्चुअली ड्रैग मी इन टू द फील्ड ऑफ यू नो दैट नो लेटर व्हाट दैट यू नो आई मीन दैट यू नो सम काइंड ऑफ ए पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल डिस्कशन। So then I started writing columns on these themes. So far actually I have written more than of a dozen columns on especially issues regarding history and Indian polity. And my most famous column is the one which I have been writing for the past 13 years in the Kannada's number one newspaper Vijayawani since its inception in April 2012. Actually, let me tell you first about my literary activities. See, I started writing magic really stories
first I began my writing career or my creative writing career with magic realism, because I like that genre pretty much. Okay, so especially see that Latin American writers and also Franz Kafka, they had great influence on me when I was actually student, during my student days. So somehow I liked that genre and I started my writing career in that genre only. Later, I mean, just for some entertainment, I wrote some detective stories also. Later, actually, I confined, I have not confined actually, but I feel more comfortable with, writing about human relationship, especially the intricacies of human relationship. See, visiting Odisha, it's a dream come true for me, because I had plenty of Odia friends during my students in days in Delhi, both in Delhi University and JNU. And one of my classmates in Delhi University, I've heard she has become a very good writer in Odia language now. Susmita, her name. I don't remember her surname, but her first name, Susmita. She was my classmate in Delhi University. We studied together history, MEA history. I thought actually I would get an opportunity of meeting her here, but I don't think it will be possible. So that we actually in our textbooks, since my school days, I have learned a lot about Orissa, especially the Kalinga War that changed the very attitude of Samrat Ashok about his very life and his religious and political policies. So that way, I mean, I always had a dream of visiting this place. So I feel this is my dream come true for me. I have written 11 books, and with Manipuri's रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उसकी आलोचना मैं हर साल करती हूं, और आलोचना की जो ग्रंथ है वो केंद्रीय निदेशालय की वार्षिक के रूप में प्रकाशित होती है, हर साल होती है. इसमें हर साल में कितनी भी कविताएं लिखी गई हैं, कितनी आलोचना की गई हैं, कितनी ग्रंथ लिखे गए हैं, व्याकरण ग्रंथ लिखे गए हैं, कविताएं, कहानियां, उपन्यास लिखे गए हैं, इन सभी का आलोचना मैं करती हूं. ठीक है, हाँ ठीक है. अच्छा, सम्मानित तो मेरा वैसे मेरा ये सातवां होगा, पांचवां सम्मानित किया गया है मुझे. मुझे गंगाचरण सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है. उड़ीसा में पहली बार मैं आई हूँ, पहली बार मैं जगन्नाथ जी का दर्शन में करूँगी कल. हाँ, मैं खुश, बहुत खुश हूँ. बचपन से हम लोग रथ यात्रा तो मणिपुर में भी होते रहते हैं, लेकिन साक्षात जो जगन्नाथपुरी है मैं कभी नहीं जा पाई. अभी बार आ रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. इस कार्यक्रम से बहुत अपेक्षाएं है और बहुत खुशी भी हो रही है. वैसे तो उड़ीसा में बहुत बार आया हूँ, जगन्नाथ का दर्शन भी बहुत बार किया है. ये शब्द जो है जगन्नाथ, ये पूरी भारतीय भाषाओं में है, चाहे मुहावरों में हो, वाक् प्रचारों में हो. हमारे यहाँ भी हम कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, ऐसा बोलते हैं. जगन्नाथ का रथ सबने खींचना पड़ता है, ऐसी भी कहावत हमारे यहाँ है. तो उड़ीसा में यहाँ आया भुवनेश्वर, इसकी खुशी तो है. उस खुशी में ज्यादा जो खुशी हो रही है वो मोहन जी के हस्त कमलों द्वारा हमारा यहाँ पुरस्कार हमें मिल रहा है. पुरस्कार तो मिलते रहते हैं, लेकिन जो पुरस्कार ऐसे संस्मरणीय पुरस्कार है उनमें से एक ये पुरस्कार होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है. बात रही यहाँ की जो संगोष्ठी चल रही है, वो विषय तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है. मैं उन्हीं विषयों पर लिखता आया हूँ और आगे भी लिखूंगा. तो इस सब विषयों पर मंथन होना आज समाज की जरूरत है. देखिए, उर्दू भाषा से आती हूँ. अखिल भारतीय साहित्य परिषद का ये प्रयास रहता है कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उसमें जो भी सृजन में लगे हुए हैं और सफल सार्थक सृजन में लगे हुए हैं, उद्देश्यपूर्ण और राष्ट्रवादिता से भरपूर साहित्य के सृजन में लगे हुए हैं, उनको चिन्हित करें, उनको चयनित करें और उनका प्रोत्साहन करें. प्रोत्साहन इसी तरह किया जाता है कि उनको सम्मानित करें. तो बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि प्रविष्टियां तो हमेशा मंगाई गई हर भाषा से, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मेरा चयन यहाँ पर हुआ. तो इसके लिए मैं सारी ज्यूरी का आभार व्यक्त करती हूँ. और दरअसल जो ये पुरस्कार, ये जो सम्मान होते हैं, ये बहुत बड़ा दायित्व हमें और दे जाते हैं. जितने हम निभा रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा अब हमारा दायित्व बढ़ जाता है कि हमारे जो सामाजिक सरोकार हैं, हमारा सृजन उससे कितना जुड़ा हुआ है, और उससे ज्यादा हम उसमें काम करें, देश के लिए काम करें. क्योंकि साहित्य
का उद्देश्य होना ही चाहिए, सृजन का उद्देश्य होना ही चाहिए। जो बिना उद्देश्य का सृजन होता है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे जिसे कहते हैं ना भूसी भूसी उड़ा दी। और सृजन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कंस्ट्रक्शन हो, समाज का निर्माण हो, समाज की तामीर हो। तो ऐसे कुछ मेरे देखा होगा, जाहिर है जूरी ने इस तरह की सामग्री देखी होगी मेरे सृजन में, मेरी पुस्तकों में। तो आज उसमें उन्होंने मुझे चयनित किया, मैं उनका आभार व्यक्त। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।